नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपल की रसोई में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए तैयार करा है चिली मशरूम। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चिली मशरूम हम तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने मशरूम को अच्छी तरह धो लिया है, साफ़ करके हमने रखा है। अब थोड़ा मशरूम हमारा मोटा है, तो हम इसके 2 से 4 पीस कर लेंगे। अगर छोटा मशरूम है तो 2 पीस ही बहुत है। इस तरह से हमने सारे मशरूम के पीस करके तैयार कर लिए। देखिए, अब हम मशरूम को मैदे से कोट करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 TSP काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च डाली हमने, नमक डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार। हमने 1 TSP नमक लिया है। अब हम इसे पानी से अच्छी तरह घोल लेंगे। पानी डालेंगे हम इसमें, पानी डालेंगे जितना ज़रूरत है उतना हम पानी डाल के इसे एकदम घोल तैयार कर लेंगे। पहले हमने आधा कप पानी डाला है, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे। 1 कप मैदे में 1 कप हम पानी डाल रहे हैं और अच्छी तरह से लम्स फ्री कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और पानी की ज़रूरत है, 1.5 कप पानी हम डाल चुके हैं इसमें और मिक्स कर लेते हैं एकदम अच्छी तरह से। अच्छी तरह हमने मैदे का घोल तैयार कर लिया है। साथ ही हम तेल भी गर्म होने रख देते हैं। मशरूम फ्राई करेंगे, उसके लिए हमने तेल गर्म होने रख दिया है। इस तरह हम मशरूम को इसमें डालेंगे और मैदे से हल्का सा कोट करेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। एक 2 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह क्रिस्पी सारे मशरूम को फ्राई कर लिया है। उसी पैन में हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाल के रखा है। इसमें हम डालेंगे प्याज, 3 मीडियम साइज के हमने प्याज काटे हैं। मीडियम साइज की शिमला मिर्च, साथ ही इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तो इसमें डाल देते हैं। हल्का सा हमें इसे क्रंची रखना है। एक हरी मिर्च ली है, उसे भी हमने बारीक काट के रखा है, तो इसमें मिक्स कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। वन फोर टी एस पी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। एक बाउल में हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे पानी में अच्छी तरह घोल लेते हैं। 5 से 6 चम्मच हम इसमें पानी डाल के इसे अच्छी तरह लम्स फ्री कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। 1/4 TSP हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा क्रंच हो चुका है हमारी शिमला मिर्च और प्याज में, तो हम इसमें डालेंगे टमेटो सॉस। टमेटो सॉस हम इसमें डाल रहे हैं 3 चम्मच। देखिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच। इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हमने एकदम तेज कर रखा है। इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स और जो हमने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है उसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। वन
1/4 टीस्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे। आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे। फ्राई करके रखी मशरूम फिर इसमें डाल देते हैं और एक मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मशरूम के साथ। ऊपर से हम इसमें हरा प्याज डालेंगे थोड़ा सा और साथ ही डालेंगे हरा धनिया और गैस को हम बंद कर देते हैं। हमारा चिली मशरूम तैयार है और बहुत ही बढ़िया ये मशरूम तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। दोस्तों चिली मशरूम हमारा तैयार है। ऊपर से हम इस पर धनिया पत्ती डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चिली मशरूम तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए।